लास्ट क्लास में हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप की बात किए थे और आपने देखा था कि अगर हम लोग कोई सेट एक्स लेते हैं और उस सेट में मोर देन थ्री एलिमेंट्स हैं, थ्री या मोर देन थ्री एलिमेंट्स हैं, तो उसका जो सिमेट्रिक ग्रुप होगा वो नॉन अबेलियन होगा। आज भी हम लोग कुछ ग्रुप्स के एग्जांपल की ही बात करेंगे, जिसमें पहला हम लोग बात करेंगे सर्किल ग्रुप की और उसके बाद से बात करेंगे हम लोग ग्रुप ऑफ आइसोमेट्री की। अच्छा, सर्किल ग्रुप से पहले आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, सी। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं इस टाइप के होते हैं, ए प्लस आई बी वे ए एंड बी आर रियल नंबर, ए एंड बी आर रियल। अपने लीनियर अलजेब्रा में इसको एक फील्ड की तरह देखा होगा और आपको ये देखा होगा वहाँ पे कि जो सी है ये क्या है, एक फील्ड है। सी क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, इसको एक प्लेन की तरह देखना है इसको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर हमने ये कोई पॉइंट लिया, मान लो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है और वाई कोऑर्डिनेट है वो है बी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे ए प्लस आई बी। मान लो कि इस पॉइंट को अगर हम लोग जेड कह रहे हैं तो जेड जो है वो क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस आई बी से, ए प्लस आई बी से डिनोट करेंगे, ओके, ए प्लस आई बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही आपने इसको फिल की तरह देखा तो आप जानते हैं कि ये जो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, अबेलियन ग्रुप है। डॉट के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप नहीं बन पाता क्योंकि इन्वर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन, ओरिजिन पे कौन है नंबर, जीरो प्लस जीरो आई, जीरो प्लस जीरो आई, ये ओरिजिन वाला जो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग यहाँ पे लें तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप नहीं बनेगा। सी जो होता है प्लस के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप नहीं होगा क्योंकि एक एलिमेंट है ओरिजिन जीरो प्लस जीरो आई, इसका इन्वर्स हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे कि सेट से हम लोग इस एलिमेंट को रिमूव करेंगे। इसको सिंपली आप ऐसे करो, जीरो की तरह लिखो, जीरो, ठीक है, जीरो की तरह लिखो। तो इस सेट से हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट रिमूव करेंगे, कंसीडर सी स्टार, सी स्टार में से हमने क्या किया, सी में से एक एलिमेंट जीरो रिमूव किया, जो ओरिजिन है उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, ओरिजिन जो है उसको हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, अगर ये ओरिजिन से इस पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, जो कि क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, सी स्टार ये एक अबेलियन ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने ए प्लस आई बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया सी प्लस आई डी, तो इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं आप जानते हो, फिर भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि सी स्टार जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी
प्लस माइनस यहाँ पे बी डी हो जाएगा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दें अगर, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी प्लस आई, और उसके बाद से ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। तो ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया है से सी में, सी में ये मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन किया है वो सी में बाइनरी ऑपरेशन है, सी में बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर हम लोग इसी बाइनरी ऑपरेशन को सी स्टार में डिफाइन करें तो इसको क्या करें कहेंगे, इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो जो मल्टीप्लिकेशन है सी में, ये मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, दिस मल्टीप्लिकेशन इंड्यूसेज ए बाइनरी ऑपरेशन इन सी स्टार विथ रिस्पेक्ट टू विच सी स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इतना लिखना भी सही है कि सी स्टार जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। सी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से उस पॉइंट को रिमूव कर दिया, जीरो को रिमूव कर दिया। ठीक है, जब भी हम कहें ग्रुप तो आपके माइंड में ये सब सारी बातें आनी चाहिए कि जो हमने कहा कि ऑपरेशन बाइनरी है, और जिस तरह से हमने दिखा यहाँ पे दिखाया आपको, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया, वो दिख रहा है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि सी के किसी भी दो एलिमेंट को लेके और अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर से जो मेंबर मिल रहा है वो भी सी का ही है, और साथ ही साथ दो सी के फिक्स मेंबर लोगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ऑपरेशन बाइनरी है, ये क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डॉट, इसको हमने यूजुअल मल्टीप्लिकेशन कहा था, इज बाइनरी, बाइनरी इन सी स्टार। ओके, बाइनरी इन सी स्टार। ओके, अब इसके बाद से हम बात करेंगे, वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो सी में एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन जो है सी में एसोसिएटिव होता है, तो सी स्टार में भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन डॉट इज एसोसिएटिव इन सी स्टार। ओके, सी स्टार। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी की। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगा, वन होगा, वन इज इक्वल टू वन प्लस जीरो आई इज द आइडेंटिटी ऑफ सी स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम इनवर्स की बात करें तो वन अपान ए प्लस आई बी, वन अपान ए प्लस आई बी इज द इनवर्स ऑफ ए प्लस आई बी इन बिलोंग्स टू, ओके, बिलोंग्स टू सी स्टार। ओके, बिलोंग टू सी स्टार। वन अपान ए प्लस आई बी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये देखना है अगर आप, तो इसको ऐसे देख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन अपान ए प्लस आई बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, रेशनलाइज कर दिया तो इससे क्या मिल गया, ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई, और इसके बाद से मिल गया माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो अगर कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लें ए प्लस आई बी, तो जो उसका इन्वर्स क्या होगा, वन अपान ए प्लस आई बी, और वन अपान ए प्लस आई बी को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह देखें तो ये ऐसे दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ए प्लस आई बी का। और साथ ही साथ जो
मल्टीप्लिकेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉमुटेटिव भी है, तो क्या आप चेक कर सकते हो इजीली, ए प्लस आई बी डॉट सी प्लस आई डी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी डॉट ए प्लस आई बी, मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, कॉमुटेटिव भी है। क्लियरली डॉट इज कॉमुटेटिव, कॉमुटेटिव इन सी स्टार। और इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो सी स्टार है, हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो सी स्टार है वो क्या हो जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। देयरफोर सी स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये क्या हो जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, इज एन अबेलियन ग्रुप। आप खुद ही से चेक करना कि प्लस के रिस्पेक्ट में जो सी होगा वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। डॉट के रिस्पेक्ट में सी नहीं हो रहा था क्योंकि इनवर्स एक एलिमेंट का इनवर्स प्रॉब्लम कर रहा था और उसको हमने रिमूव कर दिया, तो फिर ये क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, ये अबेलियन ग्रुप हो गया। हम सी स्टार की बात इसलिए कर रहे थे कि हम लोग एक नया ग्रुप को समझने वाले हैं जिसको बोलते हैं सर्किल ग्रुप या टोरस ग्रुप ऑफ डायमेंशन वन, सर्किल ग्रुप और टोरस ग्रुप ऑफ डायमेंशन वन। हमने पहले भी आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन को दिखाया था यहाँ पे, अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन को देखना है तो आप ये देखिए, ठीक है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है यहाँ पे जेड, तो जेड इस टाइप का होगा, ए प्लस आई बी टाइप का होगा। अगर ये पॉइंट ये है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ए होगा और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, बी होगा। और इसके बाद से ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड। ओके, मॉडुलस ऑफ जेड। ओके, तो अगर हम लोग यूनिट सर्किल की बात करें कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में यूनिट सर्किल की बात करें, अगर आप उसको देखना जरा, हम लोग बात करने वाले हैं सर्किल ग्रुप, सर्किल ग्रुप। इसका एक और नाम है और टोरस ग्रुप ऑफ डायमेंशन वन, ऑफ डायमेंशन वन। सर्किल ग्रुप या टोरस ग्रुप ऑफ डायमेंशन वन। ओके, आप फिर से आप यहां पे कॉम्प्लेक्स प्लेन देखो, ठीक है, और यूनिट सर्किल लीजिए, ओरिजिन को सेंटर लेते हुए वन रेडियस का आप सर्किल बनाओ। तो मान लेते हैं कि ये वन रेडियस का सर्किल है। ओके, वन रेडियस का एक सर्किल बना दिया हमने। ओके, वन रेडियस का सर्किल बना दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर इस सेट की बात करें, जो सर्किल पे जो पॉइंट है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका मॉडुलस वन है। इस सर्किल पे जितने भी पॉइंट हैं वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनका मॉडुलस क्या है, वन, क्योंकि सर्किल क्या रेडियस जो है वो वन है। लेट एस वन denotes a unit circle, denotes unit circle in complex plane, denotes unit circle, या पहले S1 को हम लोग यहाँ पर define कर दें। S1 का मतलब क्या है, इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जेड बिलोंग टू सी जिनका मॉडुलस जो है वो वन है, इनका मॉडुलस जो है वन।
तो ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, वन है, और जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड्यूलस वन है, इसका मतलब क्या है कि इस सेट के जो पॉइंट होंगे वो कहाँ पे होंगे, सर्किल पे होंगे। ये सर्किल के जितने भी पॉइंट है वो किसके पॉइंट है, एस वन के पॉइंट है, ठीक है। इस सेट को हमने एस वन से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। दिस डिनोट्स द यूनिट सर्किल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स। अब एक्चुअली क्या है कि ये जो है सी का एक सबसेट है, सी का क्या है, एक सबसेट है, ओके। क्योंकि यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जिनका मॉड्यूलस क्या है, वन है, मतलब कि सर्किल वाले पॉइंट आ रहे हैं इस सेट में। इस सर्किल वाले पॉइंट जो है एस वन के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी देखें, सी में एक मल्टीप्लीकेशन है, उसी मल्टीप्लीकेशन को क्या करेंगे, एस वन पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और उसका जो रेस्ट्रिक्शन होगा एस वन पे भी क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। रेस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा आपको समझना है, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और इस सेट पे आपने एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ, मतलब आपने एक मैपिंग डिफाइन किया होगा, और वो मैपिंग कहाँ से होगा, जी क्रॉस जी से जी में होगा। मान लो वो मैपिंग क्या है, ओ है, ठीक है। अब क्या किया आपने कि जी का एक सबसेट लिया, नॉन एम्प्टी सबसेट लिया जी का, और इस मैपिंग को क्या कर रहे हो आप, एच पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एच क्रॉस एच पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। पहले ये जो मैपिंग था वो क्या था, जी क्रॉस जी से जी में था। अगर हम लोग इस को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दें एच क्रॉस एच से, अगर ये एच में ही मैपिंग हो जाए तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो ओ है वो क्या है, हमने इसी मैपिंग को रेस्ट्रिक्ट किया है। यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, जी क्रॉस जी के एलिमेंट को कंबाइन कर रहे थे इसकी हेल्प से, लेकिन अब क्या करेंगे, एच क्रॉस एच एच के किसी दो मेंबर को कंबाइन करेंगे, और एच के किसी दो मेंबर को कंबाइन करोगे तो फिर से न्यू मेंबर जो मिलना चाहिए वो किसका होना चाहिए, एच का ही होना चाहिए। ये हमेशा सही नहीं होगा कि जैसे कि आपने इस ऑपरेशन को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया एच पे, और एच पे क्या हो गया, वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। कुछ बातें आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन। जो ऑपरेशन आपने एच पे डिफाइन किया था, उस ऑपरेशन को आपने क्या कर दिया, एच पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे ये हमेशा बाइनरी नहीं होगा, जैसे कि कुछ ऑपरेशन हम यहाँ पे मान लो आप Z6 ले लो, Z6। अब Z6 की बात करें तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, 0 बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, और 5 बार है। ये Z6 के मेंबर्स हैं, ये Z6 के मेंबर। ठीक है, अब आप यहाँ जानते हो कि जो अगर हम लोग प्लस सर्किल की बात कर ले, प्लस सर्किल भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार की बात कर ले, जिसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, एडिशन मॉडुलो एन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, ये दोनों के दोनों क्या है, Z6 पे बाइनरी ऑपरेशन। अब हम क्या करते हैं कि Z6 का एक सबसेट लेते हैं। मान लो कि आपने क्या लिया, Z6 स्टार ले लिया, ठीक है। Z6 स्टार क्या होगा, Z6 का ही सबसेट होगा, और इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, 0 बार को रिमूव कर देना है। तो आपको क्या मिला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। अब आप देख रहे थे कि जो स्टार है Z6 में तो बाइनरी है, लेकिन अब वो स्टार Z6 स्टार में बाइनरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो 2 बार है, 3 बार है यहाँ पे, लेकिन जब 2 बार और 3 बार को कंबाइन कर रहे हो स्टार से तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 6 बार, और 6 बार किसके इक्वल हो जाएगा, 0 बार के, और 0 बार इस सेट में मेंबर नहीं है। तो इस एग्जांपल से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप इसका कोई सबसेट लो, जैसे कि आपने एक सेट लिया जी और उस सेट का एक सबसेट लिया,
जी पे कोई ऑपरेशन डिफाइंड है, अगर उस ऑपरेशन को आपने एच पे रेस्ट्रिक्ट किया तो जरूरी नहीं है कि एच पे क्या होगा, वो बाइनरी होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो एच पे क्या होगा, बाइनरी होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार जो है जेड सिक्स में बाइनरी है, लेकिन स्टार जो है जेड सिक्स स्टार में बाइनरी नहीं है, और जेड सिक्स स्टार क्या है, जेड सिक्स का ही एक सबसेट है, जेड सिक्स का ही एक सबसेट है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सी पे मल्टीप्लीकेशन है, अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि मान लो आपने कोई सेट लिया, जी लिया, ठीक है, और जी पे मान लो कि आपने कोई ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, वो ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ और इसका एक सबसेट आप लेते हो, मान लो कि एच आप इसका सबसेट लेते हो जी का, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन क्या है, एक मैपिंग है ना, मैपिंग, मैपिंग को हम लोगों को क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। मैपिंग को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है कि मैपिंग के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना। पहले ये जो मैपिंग था, इस मैपिंग का जो डोमेन था वो जी क्रॉस जी था, जी क्रॉस जी से जी में ये मैपिंग था। अब एच आपने सबसेट लिया, अब क्या कर रहे हो आप, इसको एच क्रॉस एच पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है, एच क्रॉस एच पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। मान लो इसके रेस्ट्रिक्शन को भी हम लोग क्या बोलें, वही बोलें, ओके। तो अगर इसका जो रेंज है, इस मैपिंग का रेंज एच हो जाए, अगर इस मैपिंग का रेंज एच हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जब आप इसके किसी भी एलिमेंट की इमेज लोगे, आप इसके किसी भी एलिमेंट की इमेज लोगे, तो वो जो इमेज फिर से कहाँ पे होगा, एच में ही होगा, ए ओ बी फिर से कहाँ पे होगा, एच में ही होगा, मतलब कि ये जो ऑपरेशन होगा क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डोमेन इसको इस मैपिंग को रेस्ट्रिक्ट किया, डोमेन आपने क्या लिया, एच क्रॉस एच, लेकिन अगर आपने मान लो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा मेंबर मिल जाए जिसकी इमेज जो है एच से बाहर हो जाए, इसका मतलब ये है कि इसका जो रेस्ट्रिक्शन है एच पे बाइनरी नहीं है, इसका जो रेस्ट्रिक्शन है एच पे बाइनरी नहीं है। जैसा कि आपने एग्जांपल से देखा था कि हम लोग जेड सिक्स के मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन को जेड सिक्स स्टार में रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे थे, तो वो क्या था, वहाँ पर बाइनरी नहीं था, वहाँ पर बाइनरी नहीं था, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लो कि आपने ये मान लिया कि जैसे आपने चेक किया, सपोज ये बाइनरी है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे अगर आपको एच को ग्रुप चेक करना होगा, एच को ग्रुप करना चेक करना होगा, तो कुछ बातें आपको चेक नहीं करनी होगी। जैसे कि ऑलरेडी आप अगर जानते हो, मान लो कि ऑपरेशन आपने ओ लिया सेट जी पे, और इस ऑपरेशन के साथ जी क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, अगर इस ऑपरेशन के साथ जी क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, तो फिर आप चार बातें यहाँ पे चेक करोगे, ऑपरेशन बाइनरी होगा कि नहीं होगा, ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद से आप आइडेंटिटी की बात करोगे, और जी के हर एक एलिमेंट की इन्वर्स की बात करोगे। अगर आपने इस ऑपरेशन को क्या किया है, इस पर रेस्ट्रिक्ट किया है, और अगर ये इसका रेस्ट्रिक्शन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया, तो हम लोग इसी बाइनरी ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन, इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर वो जो है एच में बाइनरी हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो इंड्यूसेज ए बाइनरी ऑपरेशन इन एच, ऑपरेशन ओ इन जी, ऑपरेशन ओ ऑफ जी इंड्यूसेज ए बाइनरी ऑपरेशन इन एच। और अगर इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा, अगर ये बातें चेक करते हैं, ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि ये ग्रुप बन चुका है, ठीक है, तो अगर इसको ग्रुप चेक करना है, तो आपको क्या चेक करना होगा, कुछ बातें चेक नहीं करनी होगी। पहला आपको ये चेक करना होगा कि ऑपरेशन क्या होगा, बाइनरी होगा। एसोसिएटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करते हो, एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करते हो, एसोसिएटिव के लिए हम लोग ये चेक करते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं तीन तो, ए बी सी, ए ओ बी ओ सी, और इसको किसके इक्वल दिखा देते हो, ए ओ बी ओ सी के, और ये बात सही होनी चाहिए, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो ये बात क्योंकि जी के हर एक मेंबर के लिए सही थी, जब आपने इसको ग्रुप के लिए चेक किया हुआ था, ग्रुप के लिए क्वालिफाई हुआ था, तो आपने ये चेक किया होगा कि ये जो कंडीशन जी के हर एक तीन एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, जी के हर एक तीन एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, और एच को आपने क्या लिया है, जी का ही सबसेट लिया है, मतलब कि ये जो कंडीशन होगी एच में भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो हमें यहाँ पे एसोसिएटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब हम पहले से जानते होंगे कि वो क्या है, यहाँ पे एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है।
उसके बाद अगर ओ यहाँ पे कम्यूटेटिव है तो एच में भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव में आपने यहाँ पे चेक किया ही है ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी, और एच के मेंबर भी जी से ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमें कम्यूटेटिव चेक करने की दोबारा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम कहाँ पे चेक किए हुए हैं, जी में ही चेक किए हुए हैं, ठीक है, जी में ही चेक किए हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, और इससे हमें जैसे अब फिर आप इस एग्जाम्पल पर आ जाओ, अब हम ये कह रहे हैं कि जो सी में मल्टीप्लीकेशन है, सी में जो मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि ये जो सबसेट है वो क्या है, सी क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये फिगर है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं, अभी उसको हम फील्ड नहीं कह रहे हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स सेट का फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है, वो मल्टीप्लीकेशन को अगर हम लोग इस पर रिस्ट्रिक्ट करें, इस पर रिस्ट्रिक्ट करें, तो वो क्या होगा, यहाँ पे बाइनरी होगा। इस बात को अगर साबित करना है तो आपको क्या करना होगा, इस सेट के दो आर्बिट्रेरी मेंबर लेने होंगे। पहले आप इस सेट के बारे में समझ जाओ, इस सेट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका जो मॉडुलस है वो क्या है, वन। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लेते हो ना, तो आपको क्या करना है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है उसका, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, उसका मॉडुलस होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर हम लोग ये कहें कि ये जो सेट है, इस सेट को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, एस वन से डिनोट किए हैं, ठीक है, एस वन, और एस वन में क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका मॉडुलस जो है वो क्या है, वन है, इनका मॉडुलस जो है वो क्या है, वन, ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो रेडियस है वो क्या है, वन है, ठीक है, रेडियस है वो वन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे दो नंबर लीजिए, इसके दो एलिमेंट लो, एस वन के दो एलिमेंट लीजिए, लेट जेड वन एक एलिमेंट लिया एंड जेड टू बिलोंग्स टू एस वन, ओके, बिलोंग्स टू एस, ओके। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, जो एस वन के मेंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, जेड वन और जेड टू दोनों का मॉडुलस क्या होगा, वन होगा। दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड वन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, जेड वन और जेड टू दोनों का मॉडुलस जो होगा वन होगा। नाउ अब देखो, सी में आपको मल्टीप्लीकेशन पता है, जैसा कि अभी अभी हमने डिफाइन किया था, जब सी स्टार को ग्रुप प्रूफ किया था, सी स्टार को मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप प्रूफ किया था, तो हमने मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया था वहाँ पे। जैसे आपने क्या किया, जेड वन और जेड टू को कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मल्टीप्लीकेशन से कम्बाइन किया, ठीक है, कम्बाइन किया। अब अगर ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये जो फिर से मल्टीप्लाई जब करें इनको, तो फिर से अगर S1 का मेंबर आ जाए, फॉर एवरी जेड वन एंड जेड टू बिलोंग टू S1, तो हम लोग क्या कह देंगे कि जो मल्टीप्लीकेशन इन C इंड्यूसेज ए बाइनरी ऑपरेशन इन S1 ना। तो ये देखना ये है कि जो C का मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पे बाइनरी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप उसको इसका मॉडुलस लोगे, मॉडुलस अगर वन आ गया, इसका मतलब ये है कि जेड वन इंटू जेड टू किसका मेंबर हो जाएगा, एस वन का एक मेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं मॉडुलस के डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू। यहाँ पे ये जो डॉट है वो कॉम्प्लेक्स वाला मल्टीप्लीकेशन है, और ये जो डॉट है वो रियल वाला मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि जेड वन और जेड टू क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और इस तरह से क्योंकि जेड वन का मॉडुलस भी वन है और जेड टू का भी मॉडुलस वन है, तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, जेड वन और जेड टू यहाँ पे आर्बिटेरी थे, और आपने देखा कि जेड वन और जेड टू को कॉम्प्लेक्स वाले मल्टीप्लीकेशन से हमने मल्टीप्लाई करके और मॉडुलस लिया, तो फिर से क्या आ गया, वन। मतलब कि अगर इस सर्किल का कोई भी दो पॉइंट लीजिए, इस सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट लीजिए और उसको सी के मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद से भी वो क्या रहेगा, सर्किल पे ही रहेगा, कहीं ना कहीं सर्किल पे ही रहेगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब कि मल्टीप्लीकेशन इन सी इंड्यूसेज ए बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू विच
S1 is a group. S1 is a group, and this group is called a circle group. This shows that. This shows that. Yeah, ऐसे लिख दें. This shows that multiplication dot in C induces a binary operation induces a binary operation in S. अब जो C में मल्टीप्लीकेशन था वो मल्टीप्लीकेशन S1 में भी क्या है, बाइनरी है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो फिर से वो पॉइंट किसका होगा, S1 का ही होगा. तो इस तरह से ऑपरेशन क्या हो गया, बाइनरी हो गया, है ना. तो हमारे पास S1 पे एक बाइनरी ऑपरेशन मिल गया, और इसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में S1 जो होगा वो एक ग्रुप भी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किल ग्रुप या टोरस ग्रुप ऑफ डायमेंशन 1. टोरस ग्रुप ऑफ डायमेंशन 1. With respect to this, binary operation, dot is a group. Called circle group or torus group of dimension 1. Okay. Now, अगर आपको इसको ग्रुप प्रूफ करना है तो आगे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डॉट क्या होगा, एसोसिएटिव. और यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन है, और आपने इस डॉट को सी में एसोसिएटिव प्रूफ किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये S1 में भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा. ये हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रूफ किया है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो मल्टीप्लीकेशन क्या है, सी में क्या है, एसोसिएटिव है. ओके, तो सिंस डॉट इज एसोसिएटिव इन एस, सिंस डॉट is associative in C, therefore it is associative in S1 also. क्योंकि S1 एक सबसेट है C का, और डॉट जो है वो इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन है S1 में. ओके, तो एसोसिएटिव आपने C में चेक किया है, तो वो क्या होगा, S1 में भी क्या होगा, एसोसिएटिव भी होगा. कॉमुटेटिव नहीं चेक करना है, कॉमुटेटिव भी नहीं चेक करना होगा, क्योंकि जो डॉट है C में कॉमुटेटिव होता है. अच्छा, इसके बाद हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए. यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना, यहाँ पे
यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कौन होगा, 1 + 0 आ रही। और ये सी का भी सी स्टार का भी आइडेंटिटी था और एस वन का भी आइडेंटिटी होगा, ये जो पॉइंट होगा कौन होगा, 1 + 0 i, तो ये 1 + 0 i क्या होगा, एस वन का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो आइडेंटिटी वन इज इक्वल टू 1 + 0 i, दिस इज ए मेंबर ऑफ एस वन, इस सर्किल पे कहाँ है, यहाँ पे है, 1 + 0 i इज द identity of S, okay। Next किसकी बात करेंगे, inverse की बात करेंगे। inverse आपको easily यहाँ पे दिख जाएगा, inverse कैसे देखेगा आप, यहाँ पे देखो, आप पहले से जानते होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड और जेड बार, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड बार इंटू जेड इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू जेड बार इंटू जेड इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ जेड क्या है, यहाँ पे 1, तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1, मतलब आप क्या देख रहे हो, जेड बार जो है राइट आइडेंटिटी भी है और जेड बार क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी भी है। तो इस तरह से जो जेड बार हो जाएगा, जेड बार बिलोंग्स टू एस वन, जेड बार कैसे दिखेगा, आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो यहाँ पे मतलब इस पॉइंट का इन्वर्स कौन होगा, ये इस पॉइंट का इन्वर्स कौन होगा, ये z bar belong to s1 is, और आप जानते हो z इज इक्वल टू अगर हम लोग a प्लस आई बी लें तो z bar क्या होगा, a माइनस आई बी, और z bar का मॉडुलस क्या होगा, वो भी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और z का भी मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि जो z bar होगा वो भी क्या होगा, यूनिट सर्किल पे ही होगा। तो जो इन्वर्स मिलना चाहिए वो भी कहाँ पे होना चाहिए, s1 में भी होना चाहिए। तो जेड बार बिलोंग टू एस वन इज द इनवर्स ऑफ जेड बिलोंग टू एस। अच्छा, इस पॉइंट का जैसे कि मान लो कि ये पॉइंट है एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, खुद यही नंबर होगा, 1 + 0 i का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो 1 + 0 i ही होगा, तो मतलब वो सेल्फ इन्वर्स होगा, वो क्या होगा, सेल्फ इन्वर्स, दो एलिमेंट होंगे जो सेल्फ इन्वर्स होंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कौन है, -1, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेल्फ इन्वर्स होंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर का अगर आपको इन्वर्स निकालना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कोई लिए पॉइंट, मान लो कि वो पॉइंट जेड है, तो उसका क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेना है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से क्या मिल जाएगा आपको, उसका इन्वर्स मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू जेड बार इंटू जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, सिंस यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड क्या है, क्योंकि जेड मॉडुलस ऑफ जेड क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जेड बार जो है वो क्या होगा, बोथ साइडेड इन्वर्स हो जाएगा, मतलब इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये भी दिखा दिया कि जो हमने ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन, सी में जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी बाइनरी है, एस वन में भी बाइनरी है, और उसके बाद से क्योंकि वो सी में एसोसिएटिव था तो एस वन में भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दिख गया 1 + 0 i, और उसके बाद से इन्वर्स भी मिल गया, अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो उसका इन्वर्स क्या होगा, जेड बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो इस तरह से उसका इन्वर्स भी मिल गया, और क्योंकि डॉट जो था वो सी का है और सी में कॉमुटेटिव था, इसलिए क्या हो जाएगा, वो एस वन में भी कॉमुटेटिव हो जाएगा, क्योंकि एस वन क्या है, सी का सबसेट है, और डॉट क्या है, सी का ही है, इसको हमने रेस्ट्रिक्ट किया है कहाँ पे, एस वन पे, ओके। सिंस डॉट इज कॉमुटेटिव इन सी, देयरफॉर इट इज कॉमुटेटिव इन
S1 also. Therefore, S1 क्या हो गया, एक अबेलियन ग्रुप हो गया, इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। S1 को आपने क्या प्रूव कर दिया कि S1 क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। S1 क्या है, एक अबेलियन ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किल ग्रुप या टोरस ग्रुप ऑफ डायमेंशन वन। तो इस तरह से एक और भी ग्रुप आपने देखा, कई बार आपको यूनिट सर्किल मिला होगा लेकिन आप वहाँ पे ध्यान नहीं दिए होंगे कि वो ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये ग्रुप के बारे में आप पहले से जानते हो, जब आप लीनियर जब एलजेब्रा स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे भी आपने ग्रुप से ही स्टार्ट किया होगा। तो इसलिए हम छोटे छोटे मोटे एग्जाम्पल जो है अभी भी आपके सामने नहीं रखे हैं, क्योंकि ये सब सारी बातें आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे और टाइम आने पर हम उसके बारे में बात भी करेंगे। एक और पावरफुल ग्रुप है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इस पे बात करने से पहले हम आपको थोड़ा सा मैट्रिक स्पेस के बारे में बता दें। और मैट्रिक स्पेस भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि मैट्रिक स्पेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैट्रिक स्पेस में क्या करते हो, सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हो, ठीक है। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट, ओके। ए मैपिंग डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज कॉल्ड ए मैट्रिक ऑन एक्स, कॉल्ड ए मैट्रिक ऑन एक्स इफ, अगर ये डी कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम लोग क्या बोलेंगे, डी क्या है, एक मैट्रिक है सेट एक्स पे, डी क्या है, एक मैट्रिक है सेट एक्स पे। पहली कंडीशन क्या होती है, ये सब सारी बातें आप जानते हैं, सेकेंड ईयर में ही पढ़े होंगे मैट्रिक स्पेस के बारे में। और यहाँ पे एनालिसिस में जो भी आपको एनालिसिस वाला जो पेपर है उसमें जो एनालिसिस आपको करनी है मैट्रिक स्पेस में ही करनी है, मैट्रिक स्पेस में ही करनी है, तो आप एक बार इसको रिकॉल कर लेना। पहली कंडीशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज बिगर देन और इक्वल टू जीरो, एंड इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सेकेंड कंडीशन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई, ओके। फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स। तो अगर ये मैपिंग अगर तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये मैपिंग अगर इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस मैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, मैट्रिक बोलेंगे, मैट्रिक ऑन दिस सेट कैपिटल एक्स, ठीक है। और इस तरह से जो स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे एक्स पे, इस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक स्पेस। फिर एक्स कॉमा डी इज कॉल्ड ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिले होंगे वहाँ पे सेकेंड ईयर में, कॉल्ड ए मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो इस तरह से आपने मैट्रिक स्पेस देखा क्या होता है, और बहुत सारे मैट्रिक स्पेस देखा होगा आपने। और जब हम लोग लीनियर अलजेब्रा में इनर प्रोडक्ट स्पेस वहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ पे भी नॉर्म की बात किया जाता है। वहाँ पे किसी भी वेक्टर स्पेस में नॉर्म का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, और हर एक नॉर्म से अगर किसी भी वेक्टर स्पेस पे कोई नॉर्म लेते हैं तो उस नॉर्म से हमें क्या मिलता है, उस वेक्टर स्पेस पे एक मैट्रिक मिलती है।
वेक्टर स्पेस पे कोई भी मैट्रिक मिलेगी, जरूरी नहीं है कि वो किसी नॉर्म से ही मिले, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेक्टर स्पेस पे कोई भी मैट्रिक डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी एक नॉर्म डिफाइन किया आपने किसी वेक्टर स्पेस पे, तो उस नॉर्म की हेल्प से हमें क्या मिलता है, एक मैट्रिक मिलती है, ठीक है, ओके। अब मेन हम समझना ये चाह रहे थे आइसोमेट्रिक डेफिनेशन। Let X D be a metric space. Okay. ये कोई metric space है। A bijective map. Bijective map if from x to x is called a definition है called an isometry on X और इसका एक और नाम है रिजिड मोशन ऑन X। ज़्यादा फेमस नाम ये है आइसोमेट्री ऑन X और रिजिड मोशन ऑन X इफ, अगर ये मैपिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, इफ डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल। इस बात को समझना है, पहले आपने कोई मैट्रिक स्पेस लिया एक्स डी और हम इस सेट एक्स से एक्स में एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। बहुत सारे बाइजेक्टिव मैप हो सकते हैं, लेकिन उस बाइजेक्टिव मैप को हम लोग आइसोमेट्रिक कब बोलेंगे, उस बाइजेक्टिव को हम लोग आइसोमेट्रिक कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। उस बाइजेक्टिव मैप को आइसोमेट्रिक कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब अगर आप एक्स के कोई भी दो पॉइंट लो, एक्स के किसी भी दो एलिमेंट को लीजिए और उन एलिमेंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करो और मैपिंग एफ के अंडर में उनके इमेजेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है, जो इमेज मिलेगा वो भी एक्स में होगा और एक्स पे भी मैट्रिक डी ही है और यहाँ पे भी मैट्रिक डी ही है। तो आपने क्या कहा कि हम अगर यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं एक्स में एलिमेंट ले रहे हैं दो ठो, इसका डिस्टेंस हमने मेजर किया, ठीक है, इसका डिस्टेंस मेजर किया और उसके बाद से मैपिंग जो है इनको कहीं ना कहीं एक्स में ही मैप करेगा। तो मान लो कि इस पॉइंट की इमेज ये है और इस पॉइंट की इमेज ये है मान लो, ठीक है। अब पहले जो डिस्टेंस था एक्स और वाई का जो डिस्टेंस था जितना था, अगर वो भी डिस्टेंस यहाँ पे भी हो फॉर एवरी एक्स एंड वाई, तो हम लोग कहेंगे कि एफ क्या है, एक आइसोमेट्री है, एफ क्या है, एक आइसोमेट्री है। फिर से इस बात को देखिए, एफ जो है मैपिंग है एक्स से एक्स में, ठीक है, ये मान लो कि सेट एक्स है और ये भी क्या है, सेट एक्स है और आपने ये बाइजेक्टिव मैपिंग लिया है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने क्या लिया, बाइजेक्टिव मैपिंग लिया एफ, ओके। अब जैसे आप इस यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट लो, इस कैपिटल एक्स में कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, ठीक है, और फिर इसका इमेज कैलकुलेट करो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है इसका इमेज ये है और ये जो पॉइंट है इसका इमेज ये है, कहीं ना कहीं मैप होगा ना, ठीक है। तो जो डिस्टेंस यहाँ पे था, जो डिस्टेंस आपने यहाँ पे देखा था कि जो डिस्टेंस यहाँ पे है, मैप होने के बाद भी वो डिस्टेंस क्या है, सेम है, ऐसे मैपिंग को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप। ऐसे मैप को ऐसे भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप। तो ऐसा अगर हर एक एक्स वाई के लिए हो तो हम लोग क्या कहेंगे,
कि ये जो मैपिंग है वो क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा, ये मैपिंग क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा। अच्छा, इसके बारे में एक छोटी सी बात और, हमने यहाँ पे बाइजेक्टिव मैपिंग ऑलरेडी लेके चला है, लेकिन आप इसके बारे में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो मैपिंग है ऑटोमेटिक 1-1 होगा। आप याद कीजिए कि 1-1 के लिए क्या चेक करते हो, फॉर 1-1 हमारा ये कहना है कि यहाँ पे हमने बाइजेक्टिव लेके चले हैं, बाइजेक्टिव होना भी चाहिए, लेकिन बाइजेक्टिव सिर्फ सर्जेक्टिव कहते तो काम चल जाता, क्योंकि ये हमेशा कोई भी अगर आप आइसोमेट्री लोगे मेट्रिक स्पेस एक्स पे तो वो हमेशा क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो फॉर 1-1 के लिए आप क्या चेक करते हो, आप इमेजेस सेम लेके चलते हो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स, जो मेट्रिक की फर्स्ट कंडीशन होती है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे दो एलिमेंट सेम है, दो एलिमेंट को आपने सेम माना हुआ है, और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू जीरो होगा, जीरो होगा। ओके ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि एफ आइसोमेट्री है, क्योंकि एफ क्या है यहाँ पे, आइसोमेट्री है, सिंस एफ इज एन आइसोमेट्री ऑन एक्स, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और ये जीरो है, ये क्या होगा, जीरो। फिर से मेट्रिक का पहला कंडीशन लगाए, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इस तरह से आपने क्या लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिया, और आपने क्या प्रूव कर दिया, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये कोई भी अगर मैपिंग जो है आइसोमेट्री है, अगर कोई भी मैपिंग क्या है आइसोमेट्री है, तो वो ऑटोमेटिक 1-1 होगा, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, 1-1 होगा। सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्टिव लेके भी चलते तो काम बन जाता, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बाइजेक्टिव लिख दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं, और ज़्यादा फोकस हमें प्लेन में करना है, आर क्यू में करना है यहाँ पे, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें एक बहुत अच्छा सा ग्रुप मिलेगा, ग्रुप का एग्जांपल मिलेगा। जैसे मान लो आप इस प्लेन को ही देखिए, जो व्हाइट बोर्ड वाला प्लेन है, और इस प्लेन पे हमने क्या किया, कोई पॉइंट लिया, ठीक है, इस प्लेन पे हमने कोई पॉइंट लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं, इस प्लेन पे, ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, इसी को हम प्लेन कह रहे हैं, ठीक है। अब हम एक फिक्स पॉइंट ले रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी दो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दे रहे हैं, इस प्लेन को इस पॉइंट के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट कर दो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। मान लो कि आपने ऐसे 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये पॉइंट जो होंगे वो कहीं यहाँ पे आएंगे, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, यहाँ पे आएंगे। पॉइंट पहले भी प्लेन पे ही थे, अभी भी प्लेन पे ही है। हमने क्या किया कि प्लेन को, इस व्हाइट बोर्ड वाले प्लेन को हमने क्या किया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो ये पॉइंट पहले यहाँ थे, प्लेन के साथ मूव होंगे, अब मूव होके ये पॉइंट क्या होंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब डिस्टेंस सेम रहेगी, डिस्टेंस जो पहले था वो अभी भी रहेगा। इसका मतलब ये मैपिंग जो है, जो रोटेशन की बात कर रहे हैं, ये मैपिंग क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा। इस रोटेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये रोटेशन क्या होगा, आइसोमेट्री, और सिर्फ 90 डिग्री से नहीं, आप प्लेन पे कोई भी पॉइंट फिक्स करो, और उस पॉइंट के अबाउट आप प्लेन को क्या कर दो, रोटेट कर दो, चाहे जैसे रोटेट करो। ये जो रोटेशन होगा, जैसे कि आप 30 डिग्री से रोटेट कर दिए, आपने 40 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये जो रोटेशन होगा ये भी क्या होगा,
ये क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा, आइसोमेट्री होगा किस पे, आइसोमेट्री होगा आर स्क्वायर पे आइसोमेट्री। ओके, इसके बाद और कुछ बात कर लें, जैसे कि मान लो हमने इसी प्लेन पे, सीधी सी बात है कि पॉइंट पहले भी प्लेन पे थे और अभी भी उसी प्लेन पे हैं, बस उन दोनों पॉइंट की पोजीशन बदली है, दोनों पॉइंट की पोजीशन बदली है, और जो हम क्या कर रहे हैं कि रोटेट कर रहे हैं प्लेन को, रोटेशन, ये जो रोटेशन होगा क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा आर स्क्वायर पे, एक आइसोमेट्री होगा, ठीक है। इसके बाद से आप क्या करो कि एक लाइन लीजिए, यहाँ पे कोई भी एक प्लेन में लाइन, फिक्स लाइन लीजिए, यहाँ पे जैसे मान लो कि हमने ये लाइन ले ली, बिल्कुल वर्टिकल ले लिया, चाहे जैसे लाइन लीजिए। इसके बाद से क्या करो कि इस प्लेन को रिफ्लेक्ट कर दो, जैसे कि मान लो आपने कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने यहाँ पे लिया, और इस प्लेन को रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो इस साइड आपको प्लेन दिख रहा है, रिफ्लेक्ट करने के बाद से इस साइड दिखेगा, और इस साइड वाला जो प्लेन है रिफ्लेक्ट करने के बाद से राइट में दिखेगा, ठीक है। तो जैसे आपने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद से ये जो पॉइंट है कहीं यहाँ दिखेगा, और वो वाला जो पॉइंट था वो कहीं यहाँ दिखेगा। तो इस लाइन के अबाउट जब आपने इस प्लेन को रिफ्लेक्ट किया, पहले से जो डिस्टेंस था यहाँ पे दो पॉइंट के बीच का, वही पॉइंट यहाँ पे भी दिख रहे हैं, और अभी भी वो डिस्टेंस क्या रहेगा, वही रहेगा, पॉइंट पहले भी प्लेन पे ही था, अभी भी पॉइंट क्या है, प्लेन पे ही है, और डिस्टेंस जितना पहले था अभी भी उतना ही डिस्टेंस है। इसका मतलब कि ये जो रिफ्लेक्शन है, अगर हम लोग प्लेन को किसी भी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दें, तो ये रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा, ये रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा। इसके बारे में और भी बातें हमें आगे करना है, हम केवल आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए इसलिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से आप इस व्हाइट बोर्ड को अपने माइंड में रखो, और मान लो कि इस व्हाइट बोर्ड को हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें, इस व्हाइट बोर्ड को क्या कर दिया हमने, ट्रांसलेट कर दिया। जैसे मान लो कि ये छोटा सा प्लेन है, हमने ये प्लेन बनाया है, ठीक है, और इस प्लेन को क्या किया हमने, इसी को प्लेन की तरह देखो, इस प्लेन को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, सॉरी ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। मान लो कि अब नया जो पोजीशन है प्लेन का, चाहे जैसे ट्रांसलेट करो आप उसको, नया जो पोजीशन है प्लेन का वो ये है। अब आप यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट लेंगे, प्लेन को जब आपने ट्रांसलेट किया, तो ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा और ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, डिस्टेंसेज सेम रहेंगे, जो पहले डिस्टेंस था वो डिस्टेंस अभी भी होगा, तो इसका मतलब कि ये भी क्या होगा, एक आइसोमेट्री। तो अगर हम लोग प्लेन की बात करें, आर स्क्वायर की बात करें, तो आर स्क्वायर में आपने दो तीन आइसोमेट्री देखा, आर स्क्वायर में क्या देखा आपने, तीन आइसोमेट्री देखा, एक आपने देखा रोटेशन, जब हम क्या कर रहे थे, प्लेन को किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे थे। इसके बाद आपने क्या देखा, रिफ्लेक्शन देखा, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, प्लेन को किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और उसके बाद से आपने ट्रांसलेशन देखा, जिसमें क्या कर रहे थे, हम लोग प्लेन को ट्रांसलेट कर दे रहे थे। तो जो रोटेशन होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा, जो ट्रांसलेशन होगा, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक आइसोमेट्री होंगे, और इस एग्जांपल से आपको आइसोमेट्री का डेफिनेशन भी क्लियर हो रहा होगा। तो हमारा जो एम था कि सिर्फ आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए, इसके बारे में आगे फिर और भी बातें करेंगे हम लोग। अब जैसे मैट्रिक स्पेस तो आर क्यू भी हो सकता है ना, कंसीडर आर क्यू पे हम लोग कई सारे मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो यूजुअल मैट्रिक होगा वो कैसे डिफाइन करते हैं आप वो जानते हैं, लेट एक्स बार इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और एक और पॉइंट लिया वाई बार इज इक्वल टू वाई वन वाई टू वाई थ्री। तो यूजुअल मैट्रिक जो यहाँ पे डिफाइन होता है आरक्यू में, डिस्टेंस बिटवीन एक्स बार एंड वाई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स बार एंड वाई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वाई वन माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस
वाई टू माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस मैट्रिक के साथ जो मैट्रिक स्पेस मिलेगा हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। इस डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं, यूजुअल डिस्टेंस इन आर क्यू। तो आर क्यू ये जो है एक मैट्रिक है, डी क्या है, एक मैट्रिक है, डी इज अ मैट्रिक। इसको चेक किया होगा आपने सेकेंड ईयर में, जी डी इज अ मैट्रिक ऑन आर। ठीक है, और इस तरह से आपको क्या मिला, मैट्रिक स्पेस मिला। तो दिस मैट्रिक स्पेस विद दिस मैट्रिक आर क्यू इज कॉल्ड, विद दिस मैट्रिक आर क्यू इज कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। या एक नाम और से जानते हैं, यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस, थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, आप इसको यूक्लिडियन स्पेस भी जान सकते हैं। अब बस हम आर क्यू कहें विथ विजुअल मैट्रिक, तो आप इसको इसको माइंड में रखना है। और इसी मैट्रिक स्पेस में आपने ज्योमेट्री वगैरह किया था। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, आइसोमेट्रिक डिफाइन किया और कुछ एग्जांपल आपको दिखाए कि आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, और एग्जांपल से कुछ क्लियर होगा कि आइसोमेट्रिक क्या होता है। जैसे कि आप क्या करो कि आर्बिट्रेरी स्पेस पे चलो, किसी मैट्रिक स्पेस पे चलो, जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं वो आर क्यू में किसी भी मैट्रिक स्पेस में कर सकते हैं। आर भी एक मैट्रिक स्पेस है, आर स्क्वायर भी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, आर क्यू भी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। तो बातों को अगर हम लोग जनरल डिस्कस कर दें तो सबको अलग अलग डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, एक हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई ना कोई मैट्रिक होगा जिसके रिस्पेक्ट में ये मैट्रिक स्पेस होगा। अब आपने देखा था ना कि आइसोमेट्री, इस मैट्रिक स्पेस पे आइसोमेट्री का मतलब क्या होता है, एक मैपिंग, ऐसा मैपिंग जो क्या हो, बाइजेक्शन हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या था, डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और फॉर एवरी एक्स एंड वाई, फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ठीक है, फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, मतलब कि जो अगर आप यहाँ पे कोई भी दो आर्बिटेरी एलिमेंट लेते हो तो जो डिस्टेंस यहाँ पे है, और फिर आप इसका क्या करोगे, इमेज लोगे, तो जो डिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा, इमेजेस के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पे है। तो इस तरह के मैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्री, आइसोमेट्री ऑन कैपिटल एक्स। अच्छा, इस मैट्रिक स्पेस में आइसोमेट्री कैसे कैसे होंगे ये तो हमें नहीं पता, ये सब तो बातें चेक करनी होगी। लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर जितने भी आइसोमेट्रीज हैं मैट्रिक स्पेस एक्स पे, जितने भी आइसोमेट्रीज हैं इनको अगर हम लोग कलेक्ट कर लें, अगर इस इन सभी आइसोमेट्रीज को कलेक्ट करके एक सेट बनाएं, और सेट को मान लो हमने कह दिया आइसो ऑफ एक्स, इस सेट को हमने क्या कह दिया, आइसो ऑफ एक्स, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द आइसोमेट्रीज ऑन द मैट्रिक स्पेस एक्स। एक्स हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, और इस मैट्रिक स्पेस पे जितने भी आइसोमेट्रीज हैं, जैसे कि आपने एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन किया और देखा, आपने चेक किया कि आइसोमेट्री है कि नहीं है, अगर आइसोमेट्री है तो आपने इस सेट में इसको रख दिया। तो जितने भी आइसोमेट्री हैं सबको, सबके सबको क्या करना है, इसी सेट में रख देना है। तो दिस सेट डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द आइसोमेट्रीज, कलेक्शन ऑफ ऑल द आइसोमेट्रीज ऑन द मैट्रिक स्पेस एक्स। अब हम ये कह रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के रिस्पेक्ट में, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, एक ग्रुप होगा जिस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ आइसोमेट्री, ग्रुप ऑफ आइसोमेट्री ऑन द मैट्रिक स्पेस एक्स। ग्रुप ऑफ
आइसोमेट्री, और ग्रुप ऑफ रिजिड मोशन। रिजिड मोशन इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ आइसोमेट्री बोलेंगे या ग्रुप ऑफ रिजिड मोशन बोलेंगे। ओके, इसके लिए क्या कर रहे हो आप, एक मेट्रिक स्पेस ले रहे हो, लेट एक्स डी बी। इस ग्रुप के बारे में हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक पावरफुल ग्रुप मिलने वाला है जिसको क्या बोलते हैं, डायहेड्रल ग्रुप, और इसी ग्रुप की हेल्प से वो मिलेगा डायहेड्रल ग्रुप। और हम लोग यहाँ देखेंगे डायहेड्रल ग्रुप में कि अगर कोई भी इवन नेचुरल नंबर दिया जाए तो उसके ऑर्डर के बराबर एक ग्रुप मिलेगा, एक डायहेड्रल ग्रुप मिलेगा। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, कोई भी मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, मैट्रिक स्पेस। लेट कंसीडर दिस सेट आइसो ऑफ एक्स, आइसो ऑफ एक्स, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द आइसोमेट्रिक्स एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स। एफ क्या है, मैपिंग है, और हर मैपिंग नहीं, हर मैपिंग नहीं, ऐसे मैपिंग जो आइसोमेट्रिक्स है एक्स एक्स में, वो बाइजेक्टिव मैप जो क्या है, आइसोमेट्री है, ठीक है, सच दैट एफ इज एन आइसोमेट्री, आइसोमेट्री ऑन एक्स। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द आइसोमेट्रीज, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द आइसोमेट्रीज collection of all the isometries on metric space X, collection of all the isometries on the metric space X, okay, okay. तो ये हमारे पास सेट मिला, ठीक है। इस सेट में क्या है, जब भी हम कहें आइसो ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ, दिस सेट डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द आइसोमेट्रीज ऑन द मैट्रिक स्पेस एक्स, ऑन द मैट्रिक स्पेस एक्स, ठीक है। आपने एक मैट्रिक स्पेस लिया और उस मैट्रिक स्पेस पे जितने भी आइसोमेट्रीज हैं उनको कलेक्ट करके एक सेट बनाया, और उस सेट को हम लोग कैसे डिनोट करना है, आइसो ऑफ एक्स, ठीक है, आइसो ऑफ एक्स। अब क्योंकि इस एलिमेंट के जो मैपिंग, इस एलिमेंट, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो मैपिंग्स हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, ऑलरेडी हमारे पास एक ऑपरेशन है कंपोजिशन ऑफ मैप। अब देखना ये है कि कंपोजिशन ऑफ मैप यहाँ पे बाइनरी होता है कि नहीं, कंपोजिशन ऑफ बाइनरी, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग बाइनरी कब होगा, जब हम लोग उससे दो आइसोमेट्री को कंबाइन करें तो क्या मिले हमें, फिर से एक आइसोमेट्री मिले, ठीक है, और उसके बाद से एसोसिएटिव तो कह सकते हैं, और उसके बाद से हमें किसकी बात करनी होगी, आइडेंटिटी की बात करनी होगी, तो आइडेंटिटी मैपिंग यहाँ पे देखेंगे कि आइसोमेट्री है कि नहीं है, और उसके बाद से इन्वर्स की बात करेंगे, तो क्योंकि मैपिंग बाइजेक्टिव है, क्योंकि मैपिंग क्या है, बाइजेक्टिव है, तो उसका इन्वर्स मिलेगा ही मिलेगा। अब चेक सिर्फ इतना करना होगा कि जो उसका इन्वर्स होगा वो एक आइसोमेट्री होगा कि नहीं होगा, ओके। तो विथ रिस्पेक्ट टू आइसो ऑफ एक्स इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैप्स, कंपोजिशन ऑफ मैप्स, ओके, दिस ग्रुप इज कॉल्ड, दिस ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ आइसोमेट्री ग्रुप ऑफ आइसोमेट्री
ग्रुप ऑफ आइसोमेट्री ऑफ एक्स या ऐसे भी बोल सकते हैं आइसोमेट्रिक ग्रुप ऑफ एक्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइसोमेट्री ऑफ एक्स या आइसोमेट्रिक ग्रुप ऑफ एक्स, ठीक है, आइसोमेट्रिक ग्रुप ऑफ एक्स, दोनों बातें एक ही है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ रिजिड मोशन, रिजिड मोशन ऑफ एक्स मैट्रिक स्पेस। अब हमें इसको ग्रुप चेक करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि जो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। कंपोजिशन ऑफ मैप को हम लोग फिर से वही से ही डिनोट करते हैं, पहला कंपोजिशन ऑफ मैप, कंपोजिशन ऑफ मैप ओ इज बाइनरी, बाइनरी ऑन आइसो ऑफ एक्स, इसको बाइनरी प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे आइसो ऑफ एक्स का, ठीक है, फॉर लेट एफ एंड जी बिलोंग्स टू आइसो ऑफ एक्स, ठीक है, एफ और जी दोनों के दोनों क्या हैं, आइसोमेट्री हैं ऑन एक्स पे। अब हमें क्या करना है कि एफ और जी को क्या करना है, कंबाइन करना है ऑपरेशन हो से। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स से एक्स में आपने क्या किया, एक्स से एक्स में आपने एक आइसोमेट्री लिया और दूसरा आइसोमेट्री लिया जी, ये भी एक आइसोमेट्री है और ये भी क्या है, एक आइसोमेट्री है। अब फिर क्या करोगे आप, इसका कंपोजिशन लोगे, तो ये कंपोजिशन कौन होगा, एफ ओ जी होगा। अब हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि एफ ओ जी भी क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा, ठीक है, एफ ओ जी भी क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा। और एफ ओ जी को आइसोमेट्री दिखाने के लिए आपको क्या प्रूफ करना होगा, आप आइसोमेट्री के डेफिनेशन को देखिए, अगर एफ को आइसोमेट्री दिखाना है तो आपको करना क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, ठीक है। तो अगर आपको इसको आइसोमेट्री दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस बिटवीन एफ एफ जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस इसको किसके बराबर दिखाना है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा, मतलब कि देखो एफ ओ जी के अंडर में, एफ ओ जी क्या है, मैपिंग है एक्स एक्स में, तो आप क्या करोगे, हम ये साबित करेंगे कि एक्स का कोई भी दो आर्बिट्रेरी मेंबर लें उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल वही रहेगा। नहीं नहीं, अगर हम लोग एक्स और वाई दो कोई भी आर्बिट्रेरी दो एलिमेंट लें और उनका इमेज लें तो देखें इमेज के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल वही है जो वो पॉइंट एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस था। तो यही साबित करना पड़ेगा और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि एफ ओ जी क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ और जी को हमने आइसोमेट्री लिया है और दिखाना ये है कि एफ ओ जी क्या होगा, आइसोमेट्री होगा, ठीक है। नाउ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एफ ओ जी एक्स कमा जी ओ एफ वाई, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए एक्स और वाई। अब कंपोजिशन का डेफिनेशन अप्लाई करो, इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, पहले यहाँ पे कौन अप्लाई होगा, एफ अप्लाई होगा एक्स पे और फिर जी अप्लाई होगा एफ एक्स पे, इसको क्या लिख सकते हो, जी एफ एक्स कमा जी एफ वाई,
ओके, कंपोजिशन के डेफिनेशन से फिर आप आगे आओ। अब यहाँ पे देखो, ऐसा फॉर एवरी एक्स और वाई के लिए होगा क्योंकि कंपोजिशन के डेफिनेशन से। और फिर आप यहाँ पे एफ एक्स को ऑब्जर्व करो, एफ एक्स क्या है उसको ऑब्जर्व कीजिए। एफ एक्स क्या है, एक अगर हम यहाँ पे देखें, एक्स लिया हमने, ठीक है, तो ये जो एफ एक्स होगा वो किसका पॉइंट होगा, एक्स का कोई ना कोई पॉइंट होगा ना। आपने यहाँ पे एफ एक्स लिख दिया और फिर आपने वाई लिया, वाई की इमेज एफ के अंडर में एफ वाई होगा, वो किसी ना किसी का एलिमेंट होगा। तो क्योंकि जी एक आइसोमेट्री है, इसको एक सिंगल एलिमेंट की तरह देखो, ये क्या है, किसका एलिमेंट है, एक्स का ही एलिमेंट है। क्योंकि एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स है क्या, एक्स की इमेज, और एक्स की इमेज कहाँ पे होगा, कैपिटल एक्स में ही होगा। फिर एफ वाई क्या है, वाई की इमेज, और वाई की इमेज कहाँ पे होगा, कैपिटल एक्स में ही होगा। और साथ ही साथ जी क्योंकि आइसोमेट्री है, तो जी क्योंकि आइसोमेट्री है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई। ऐसा कैसे, क्योंकि जी जो है एक आइसोमेट्री है, क्योंकि जी क्या है, एक आइसोमेट्री है। तो सिंस जी इज एन आइसोमेट्री, सिंस जी इज एन आइसोमेट्री, ठीक है, जी क्या है, एक आइसोमेट्री। ओके, आपने एक्स और वाई यहाँ पे लिया हुआ है, और जो भी बात कर रहे हैं आर्बिटेरी एक्स और वाई के लिए कर रहे हैं। जब आप इसकी इमेज लोगे तो इमेज क्या होगा, एफ एक्स, और वाई की इमेज क्या होगी, एफ वाई। एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या हैं, एक्स के एलिमेंट हैं। अब देखो यहाँ पे जी एफ एक्स, अब एफ एक्स को क्या करो, टी वन रख दो, एफ वाई को टी टू रख दो, ये क्या हो जाएगा, जी टी वन और जी टी टू। और क्योंकि जी एक आइसोमेट्री है तो डिस्टेंस बिटवीन जी टी वन एंड जी टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टी वन एंड टी टू। और टी वन किसको रखा था आपने, एफ एक्स को, और टी टू किसको रखा था, एफ वाई को। ओके, और साथ ही साथ आप क्या लिख देंगे इसको, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि जो जी है वो जी क्या है, नहीं यहाँ पे क्या है, एफ क्या है, एक आइसोमेट्री है। सिंस एफ इज एन आइसोमेट्री, सिंस एफ इज एन आइसोमेट्री। और ऐसा क्योंकि x और y आर्बिटरी लेके चल रहे थे, तो फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो इस तरह से आपने ये देखा, डिस्टेंस बिटवीन एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड y फॉर एवरी x एंड y बिलोंग टू कैपिटल X। इसका मतलब क्या है कि अगर f और g आइसोमेट्री है तो एफ ओ जी भी क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा। मतलब कि ये जो कंपोजिशन ऑफ मैप होगा वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, कंपोजिशन ऑफ मैप होगा आइसो ऑफ एक्स में एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। दस दिस शोज दैट दिस शोज दैट आइसो ऑफ एक्स वो इज बाइनरी। यहाँ पे पहले ये लिख दे, दस एफ ओ जी क्या हो गया, एक आइसोमेट्री हो गया, बिलोंग टू आइसो ऑफ एक्स। आइसो ऑफ एक्स में आइसोमेट्री हो गया ना, तो इसका एक एलिमेंट हो जाएगा। दिस वॉज दैट ओ इज बाइनरी इन आइसो ऑफ एक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या चेक करना है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए आइसोमेट्री होना जरूरी नहीं है, मैपिंग का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है। देखो, एक आपने मैपिंग लिया, हो सकता है कि वो आइसोमेट्री होगा, हो सकता है नहीं होगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव होने के लिए आइसोमेट्री की जरूरत नहीं है, मैपिंग का जो कंपोजिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। अगर इसको चेक करना है तो तीन एलिमेंट ले लो, लेट F, G, H belong to iso of X। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें जरूर आइसोमेट्री ही लेना है, कोई भी तीन मैपिंग लीजिए F, G, H। हमें इस एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आइसोमेट्री है या बाइजेक्शन है, सिर्फ मैपिंग है तो उसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, एक एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। तो
आप क्या करोगे, एफ ओ जी ओ एच लोगे ना, और इसको किसके बराबर दिखाना है, एफ ओ जी ओ एच। और इसके पहले आपने देखा था कि दो मैपिंग को कब दिखाते हैं इक्वल, देखो दोनों मैपिंग का जो डोमेन है वो क्या है, कैपिटल एक्स। तो आप ये दिखाओगे कि कैपिटल एक्स के हर एक मेंबर पे, कैपिटल के हर एक मेंबर पे क्या होगा, इन दोनों मैपिंग का जो एक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट पे मैपिंग, इस मैपिंग का और इस मैपिंग का जो एक्शन होगा वो सेम होगा। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों मैपिंग क्या है, सेम है। और जैसे ही ये साबित हो जाएगा तो हम ये प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा कैपिटल एक्स में, ठीक है। अब दो मैपिंग को अगर इक्वल प्रूफ करना है कि वो इक्वल नहीं होंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, क्या करते हो कि कैपिटल एक्स में क्या करते, कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेते और दिखा देते कि उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट पे जो इस मैपिंग का एक्शन है और इस एलिमेंट का जो इस मैपिंग का जो एक्शन है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि मैपिंग जो है वो क्या है, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे एक्स और इस एलिमेंट पे क्या करेंगे हम, इस मैपिंग का एक्शन देखेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से डिफाइन होता है कंपोजिशन, पहले इस एक्स पे कौन अप्लाई होगा, एच अप्लाई होगा, तो एफ ओ जी ऐसे रहेगा और यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा एच, तो एच एक्स मिल जाएगा। अब इस एच एक्स पे कौन अप्लाई होगा, जी ओ एफ अप्लाई होगा, इस ब्रैकेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस एच एक्स पे ये एच एक्स किसका एलिमेंट होगा, एक्स का एलिमेंट होगा, क्योंकि एच क्या है, एक मैपिंग है एक्स एक्स में, एच क्या है, एक मैपिंग है एक्स एक्स में। तो अगर एच एक्स की बात करें तो एच एक्स का मतलब क्या है कि एच के अंडर में एक्स की इमेज, और एच के अंडर में एक्स की इमेज क्या होगी, एक्स का एक मेंबर होगा। अब इस पे कौन अप्लाई होगा, जी ओ एफ अप्लाई होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जी जी एच एक्स, उसके बाद से, ठीक है। अब फिर से आप यहाँ पे लेके चलिए, अब एफ ओ जी ओ एच, अब इसको एक एक्स पे अप्लाई करो, तो पहले ये अप्लाई होगा, कौन अप्लाई होगा, पहले एच ओ जी अप्लाई होगा, तो ये एफ ऐसे ही रहेगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा, एफ जी ओ एच, इसके अंडर में एक्स की इमेज, इसके अंडर में एक्स की इमेज, फिर इस पर एच अप्लाई होगा, फिर जी अप्लाई होगा, तो एफ और क्या हो जाएगा, जी एच, ठीक है। और ऐसा हम लोग लिख सकते हैं फॉर एवरी। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इसका जो एक्शन है एक्स पे बिल्कुल सेम है इसके एक्शन से, एक्स पे जो जिस तरह से ये एक्ट कर रहा है उसी तरह से ये भी एक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो दोनों मैपिंग होंगे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दस, क्योंकि एक्स क्या था, आर्बिट्रेरी था, एक्स आर्बिट्रेरी था यहाँ पे। सो एफ ओ जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, देयरफॉर एफ जी एच भी आर्बिट्रेरी है, तो एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एफ जी एच बिलोंग टू आइसो ऑफ एक्स। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हमने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया कि एफ जी एच बाइजेक्शन है या वो आइसोमेट्री है। तो अगर मैपिंग है, सिर्फ मैपिंग है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये साबित हो गया। दस, सेकेंड ये प्रूव हो गया कि एफ ओ जो है वो क्या है, एसोसिएटेड, ठीक है। दिस शोज दैट
this shows that O is associative in iso of X. Next identity, third. We define a map. Identity चाहिए आपको iso of X में, मतलब कि X से X में एक ऐसा बाइजेक्टिव मैप जो कि आइसोमेट्री हो, मतलब X से X पे एक आइसोमेट्री चाहिए जो क्या किसका काम करे, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करे. वी डिफाइन ए मैप I फ्रॉम X टू X. आइडेंटिटी मैप, इसकी बात हम लोग किए थे जब हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप की भी बात कर रहे थे, तो इसकी बात किए थे. और सिमेट्रिक ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो भी यही था. ओके, वी डिफाइन ए मैप दिस बाय एक्स के सारे मेंबर को क्या करेगा, ये फिक्स करेगा. ऐसे मैपिंग को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं. फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स. ओके, तो क्लियरली एफ क्या है, एक बाइजेक्शन है. क्लियरली आई एक्स, इससे अच्छा बाइजेक्टिव मैपिंग तो कोई होता ही नहीं. आपको इसमें ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत बता सकते हो कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है. तो क्लियरली आई एक्स इज बाइजेक्शन. ओके, अब बाइजेक्शन से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमको इसको क्या दिखाना है, आइसोमेट्री भी दिखाना है. ठीक है, आइसोमेट्री भी दिखाना है. तो इसके लिए क्या करना होगा, नाउ आई एक्स के अंडर में एक्स की इमेज और आई एक्स के अंडर में वाई की इमेज, इनका डिस्टेंस लेके चलना है. और ये दिखाना है कि ये जो डिस्टेंस होगा इसके इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई के इक्वल हो जाएगा. तो जैसा कि ये मैपिंग डिफाइन किया गया है, आई एक्स के अंडर में एक्स की इमेज एक्स है और वाई की इमेज क्या है, वाई है. तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स. तो इस तरह से आपने ये दिखा दिया कि इस मैपिंग के अंडर में एक्स और वाई की जो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस है बिल्कुल वही है जो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस था. सो आई एक्स बिलोंग टू आइसो ऑफ एक्स. आइसो ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि बाइजेक्टिव मैप और वो क्या हो, आइसोमेट्री हो. ठीक है, बाइजेक्टिव मैप और क्या हो, वो आइसोमेट्री हो. तो आपने ये देखा कि ये क्या है, आइसोमेट्री है. और आप जानते ही हैं कि अगर इस मैपिंग को किसी भी एफ में कंपोजिशन से कंबाइन करें, अगर इसको नाउ आई एक्स ओ एफ इक्वल टू एफ ओ आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ. हमने इसको प्रूव किया था जब सिमेट्रिक ग्रुप कर रहे थे, सिमेट्रिक ग्रुप में भी सेम बातें प्रूव किया था हमने. जैसे कि अगर आइडेंटिटी मैपिंग का कंपोजिशन आप एफ के साथ लेते हो, आई एक्स को लेफ्ट में रख के चाहे राइट में रख के, तो फिर मिलता क्या है, एक्स ही मिलता है. फॉर एवरी एफ बिलोंग टू आइसो ऑफ एक्स, मतलब कि दस दिस शोज दैट पहले हमने एक मैपिंग डिफाइन किया, आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन किया, और उसके बाद से हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैपिंग को आइसोमेट्री दिखाया. क्योंकि जो ग्रुप की आइडेंटिटी होगी, अगर जी ग्रुप है तो आइडेंटिटी भी जी में ही होना चाहिए. तो आई एक्स जो होगा आइसो ऑफ एक्स में ही होगा. और उसके बाद से आपने देखा कि ये आइडेंटिटी का भी रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे. आई एक्स ओ एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ ओ आई एक्स इज इक्वल टू एफ फॉर एवरी एफ बिलोंग्स टू आइसो ऑफ एक्स. दिस वॉज दैट iso of x, ix is the identity of iso of x
विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन मैप। ओके, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी भी मिल गया इस ग्रुप का। अब हमें इनवर्स चाहिए, हमें ये दिखाना है कि अगर हम लोग एक्स पे कोई भी आइसोमेट्री लें तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, एक्स पे एक आइसोमेट्री हो। ठीक है, अच्छा एक बाइजेक्शन है तो इनवर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फोर्थ, इनवर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सिर्फ मिलने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि आपको ये दिखाना होता है ना कि जैसे जी ग्रुप है तो जी के हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलना भी चाहिए और वो जो इन्वर्स होगा जी का ही मेंबर होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी आइसोमेट्री लेते हो, मतलब आइसो आप एक्स का मेंबर लेते हो, तो आपको क्या करना होगा, ये दिखाना होगा कि उसका इन्वर्स मिलेगा भी और वो इन्वर्स कहाँ पे होगा, आइसो आप एक्स में ही होगा। और उसको दिखाने के लिए आपको एफ इन्वर्स को क्या साबित करना पड़ेगा, वो कि एफ इन्वर्स क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा। ठीक है, तो लेट एफ बिलोंग्स टू आइसो ऑफ एक्स। तो सबसे पहले बाइजेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि एफ बाइजेक्शन है तो इसका इन्वर्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो सिंस एफ इज बाइजेक्टिव, सिंस एफ इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एफ इन्वर्स which is bijective। f अगर bijective है और f क्या है, एक मैपिंग है x से x में, तो f inverse भी क्या होगा, एक मैपिंग होगा x से x में ही, which is bijective। such that f inverse of is equal to ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। मतलब ये तो सिर्फ बाइजेक्टिव से हो जाएगा, अगर कोई भी मैपिंग बाइजेक्टिव है, तो एफ इनवर्स भी क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई होगा, जब एफ इनवर्स को एफ से कंबाइन करोगे, एफ इनवर्स को चाहे राइट में रखो चाहे लेफ्ट में, आएगा क्या, आई एक्स ही आएगा, आइडेंटिटी मैपिंग ही आ जाएगा उस सेट पे। तो ये बातें आप समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो इन्वर्स मिला है ये भी क्या होगा, आइसो ऑफ एक्स का मेंबर होगा। और इसको दिखाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एफ इन्वर्स क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा। ठीक है, नाउ वी विल शो दैट F inverse belongs to iso of x। ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, फॉर किसी भी बाइजेक्टिव मैपिंग को, ऑलरेडी बाइजेक्टिव है कि इनवर्स बाइजेक्टिव मैपिंग का इनवर्स बाइजेक्टिव होगा और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये डेफिनेशन होती है इनवर्स की। ठीक है, मतलब कि किसी मैप के इनवर्स की डेफिनेशन होती है। और उसके बाद से आपको ये दिखाना है कि एफ इनवर्स क्या होगा, आइसोमेट्री होगा। और किसी भी मैपिंग को अगर आपको आइसोमेट्री दिखाना है तो इसके दो पॉइंट के इमेजेस का डिस्टेंस लेके चलो और इसको किसके बराबर दिखा दो, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो जैसे ही हमने ये प्रूफ कर दिया कि डिस्टेंस बिटवीन एफ इनवर्स एक्स एंड एफ इनवर्स वाई, डिस्टेंस बिटवीन एफ इनवर्स एक्स एंड एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो एफ इनवर्स होगा वो क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा। एफ इनवर्स क्या होगा, एक आइसोमेट्री होगा। ठीक है, अच्छा एफ इनवर्स है क्या, देखो पहले आप यहाँ पे देखो एक्स है ना, एक्स से एक्स में एक मैपिंग है, तो यहाँ अगर आपने यहाँ पे एक्स लिया, अगर ये मैपिंग अगर आप यहाँ पे एफ ले रहे हो तो कोई एलिमेंट एक्स होगा ना, तो उसकी इनवर्स इमेज होगा एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स की फ्री इमेज होगा, इनवर्स इमेज होगा। तो ये एफ इनवर्स भी कोई ना कोई एक्स का ही मेंबर होगा, कोई ना कोई क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स भी क्या होगा, कोई ना कोई एक्स का ही मेंबर होगा। तो एक मिनट के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको टी वन मान लेते हैं। ओके, इसको क्या मान लेते हैं, टी वन,
इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया वाई, तो वाई की जो प्री इमेज होगी वो कोई ना कोई एफ इनवर्स वाई होगा, और एफ इनवर्स वाई किसी ना कोई एक्स का ही एलिमेंट होगा, और उस एलिमेंट को थोड़े देर के लिए क्या कर दो टी टू मान लो, वेयर टी वन इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एंड टी टू इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ठीक है, वेयर ये बात लिखनी पड़ेगी, वेयर टी वन इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एंड टी टू इज इक्वल टू एफ इनवर्स, अच्छा अब दिस इज इक्वल टू, अब आपने जो एफ लिया था वो एक आइसोमेट्री लिया था, एफ लिया था एक आइसोमेट्री लिया था, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टी वन एंड टी टू किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन एफ टी वन एंड एफ टी टू, ऐसा क्यों, क्योंकि एफ जो है एक आइसोमेट्री, जो भी आइसोमेट्री होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि जो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस, तो क्योंकि एफ आइसोमेट्री है, एफ किसका एलिमेंट है आइसो ऑफ एक्स, तो आइसो ऑफ एक्स का एलिमेंट होगा एक आइसोमेट्री होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसके इक्वल रख सकते हैं, और इसका रीजन देना पड़ेगा आपको, सिंस एफ इज एन आइसोमेट्री, एस क्या है एक आइसोमेट्री, और फिर क्या कर सकते हो, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन, जैसे ही आप टी वन को रखोगे एफ इनवर्स एक्स और टी टू को क्या रखोगे एफ इनवर्स वाई, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एफ के अंडर में एफ इनवर्स एक्स की इमेज, और उसके बाद से एफ के अंडर में एफ इनवर्स वाई की इमेज, और एफ क्या है बाइजेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन वाई, ठीक है, ओके, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, तो इस तरह से आपने ये दिखा दिया कि एफ इनवर्स भी क्या हो जाएगा एक आइसोमेट्रिक हो जाएगा, दिस शोज दैट एफ इनवर्स इज एन आइसोमेट्री, एफ इनवर्स इज एन आइसोमेट्री, तो इस तरह से आपने ये प्रूफ कर दिया कि ग्रुप की जो चारों कंडीशन है वो आइसो आप एक सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैप, ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि अगर कोई भी अगर हम लोग मेट्रिक स्पेस लेते हैं, और उस मेट्रिक स्पेस पे जितने भी आइसोमेट्रीज हैं उनको कलेक्ट कर दिया हमने, और कलेक्ट करके एक सेट बना दिया जिस सेट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं आइसो ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक ग्रुप होगा जिस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ आइसोमेट्री या आइसोमेट्रिक ग्रुप ऑफ एक्स, या ऐसे भी बोलते हैं ग्रुप ऑफ रिजिड मोशन ऑफ एक्स, ठीक है, अब मेन जो हमारा है मेन हम लोग इसको जिसके लिए कर रहे थे उसको हम नेक्स्ट टर्म पे ही कर पाएंगे, आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, और इसको देखो कैसे अप्लाई करेंगे कि हमें एक काफ़ी अच्छा सा ग्रुप मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डायहेड्रल ग्रुप, ओके, थैंक यू।